जी हाँ दोस्तों, आज के समय में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट अभी के समय में, वहाँ के लोग काफ़ी बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और आज के दिनों में न्यूज़ में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तान में खाना का कमी हो गया है, जिसके कारण वहाँ के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ अनाज के लिए वहाँ के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लग रहे हैं। ये सभी देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी के समय में पाकिस्तान का हालत कैसा है और आखिर पाकिस्तान का ये हालत हुआ कैसे। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हालत अभी नहीं हुआ बल्कि पहले ही से पाकिस्तान इस हालत से जूझ रहा है। बात करें तो पिछले एक साल से पाकिस्तान में जिस तरह से गवर्नमेंट बदली है और वहाँ पे लोगों में असंतोष बढ़ा है, उस तरह से देखें तो वहाँ पे लोग आज के समय में खाने के लिए किस तरह से झगड़ रहे हैं, ये वीडियो भी पाकिस्तान का ही है। यहाँ पे लोग आपस में लड़ाई करते हुए दिख सकते हैं केवल खाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आज लोग क्या क्या करने पर उतर चुके हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए खाना नहीं मिला है। पाकिस्तान जो कि इस्लामिक देश है, यह देश आज अपने 22 करोड़ लोगों का खाना का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ का गवर्नमेंट आज पूरी तरीके से विफल है। इसके पड़ोसी देश ईरान अफगानिस्तान है, जहाँ पे अशांति रहता है। एक तरफ चीन और एक तरफ भारत है। चाइना जो कि इसे लूटने में लगा रहता है और भारत से इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आज के समय में काफ़ी नाजुक हालत है और पाकिस्तान के लोगों में आजकल जो गुस्सा है अपने गवर्नमेंट को लेकर के, वो साफ सड़कों पे दिख सकता है। पाकिस्तान में आज के समय में वहाँ के लोग उनके गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के खाने के लिए खाना ही नहीं है। आखिर पाकिस्तान इस हालत तक कैसे पहुँच गया? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस हालत का जिम्मेदार वहाँ का गवर्नमेंट और वहाँ पर आतंकवादी संगठन है। वहाँ पे आए दिन आपको सुनते मिलता होगा कि वहाँ पे आतंकी हमला हो गया और वहाँ की आर्मी कई बार तख्ता पलट करती है, जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट भी सही से काम नहीं कर पाती और वहाँ का आर्मी जो कि जिसका काम है बॉर्डर पे रहना, वह गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्रेम करने लगती है। और चाइना का दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा कर्ज लेना, ये भी उसके इस समय का एक कारण है। पाकिस्तान जो कि चीन से बहुत ज़्यादा कर्ज लेता था, आज चाइना भी उसका मदद नहीं कर रहा है। बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ वहाँ के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया और वहाँ के युवा खुल करके उसका विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान का जनता ये विरोध कर रही है और उसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा एक परमाणु संपन्न देश है और इसके द्वारा किसी देश से कर्ज मांगना काफ़ी शर्म की बात है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्ज दिया और इसी पे उन्होंने कहा कि ये काफ़ी शर्म का बात है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद दूसरे देशों से लोन मांग रहा है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद देखते हैं कि आगे पाकिस्तान में क्या होता है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।